गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द रेक्टेंगुलर लेमिना विच इज वर्टिकली इन साइड द वाटर ऑफ हाइट एच। ए है एच बाई थ्री, बी है एच बाई फोर, सी है टू एच बाई थ्री, डी है थ्री एच बाई टू। सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। एच पी इज इक्वल टू एच बार प्लस आई अपॉन ए एच बार। कोई भी शेप गिवन हो, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और उसके लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अभी अपने को रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर के लिए एच बार की वैल्यू होती है एच बाई टू। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी वैल्यू होती है रेक्टेंगुलर के लिए बी एच की पावर थ्री अपॉन ट्वेल्व, और एरिया की वैल्यू होती है बी एच। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से एच पी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में टू एच बाई थ्री। आप इसको थोड़ा डायरेक्ट भी ट्रिक से भी याद रख सकते हो। जैसे रेक्टेंगुलर लेमिना है, रेक्टेंगुलर, तो इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है एच बाई टू, और सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू है उसमें हम वन ऐड करके, और जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, वन एच है, तो वन में वन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एच, और नीचे टू है इसमें हम वन ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी थ्री। इसी तरीके से अगर ट्राइंगल के लिए देखें, तो ट्राइंगल में दो कंडीशंस हो जाएगी। एक तो हो जाएगा जो अपेक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एक होगा अपेक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब अपेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो एच बार की वैल्यू यानी सी जी की वैल्यू होती है टू एच बाई थ्री। वन से हम इंक्रीज करेंगे वैल्यू को तो ये आ जाएगी थ्री एच बाई फोर। इसी तरीके से अगर अपेक्स डाउनवर्ड है तो इसके लिए सी जी की वैल्यू होती है एच बाई थ्री। वन से जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा टू एच बाई फोर या फिर एच बाई टू। किसके लिए, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए। तो ये आप वैल्यू डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, थोड़ा ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। एक यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि ये वैल्यूज वैलिड है, अगर ये तभी वैलिड है जब जो भी लेमिना है वो फ्री सरफेस से कोइंसाइड कर रहा है। फ्री सरफेस से कोइंसाइड का मतलब हो गया आपके पास में ये कोई वाटर सरफेस है, और ये जो बॉडी है वो इस तरीके से है, इसका जो अपर सरफेस है वो वाटर के फ्री सरफेस से कोइंसाइड कर रहा है। अगर ट्राइंगल है तो वो इस तरीके से है, या फिर वो इस तरीके से है। तो ये फॉर्मूला इसी केस में अप्लीकेबल होगा, ये वैल्यू जो आ रही है। और अगर इस तरीके से है, यहाँ पर आपके पास में फ्री सरफेस है और यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो इस केस में जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, एच बार में। जो सी जी है वो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो उससे जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू आएगी वो भी चेंज आएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी टू एच बाई थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टेटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन स्टेट बाई, ए है न्यूटन्स लॉ, बी है पास्कल लॉ, सी है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, डी है यूलर लॉ। तो इसको हम बोलते हैं पास्कल लॉ, बी ऑप्शन करेक्ट है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि कोई भी स्टैटिक फ्लूइड, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या होती है कि फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब हो गया एट रेस्ट कंडीशन,
फ्लूड है वो मूविंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूविंग कंडीशन में होता है तब क्या होता है कि उस पर दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स आता है उस पर और एक आता है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स जिसको हम शियर फोर्स भी बोलते हैं, तो ये दोनों एक्ट करते हैं, नॉर्मल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। बट अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में ओनली आते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो पास्कल ने बताया कि कोई भी फ्लूड है अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है तो इसकी ऑल डायरेक्शन में जो प्रेशर लगता है, जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है ऑल डायरेक्शन में, वो सेम होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर वैल्यू पी है तो यहाँ भी वैल्यू पी होगी, यहाँ भी वैल्यू पी होगी, यहाँ भी वैल्यू पी होगी, मतलब ऑल डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी का इस फ्लूइड पार्टिकल पे प्रेशर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ए है मूव्स अवे फ्रॉम द सीजी ऑफ द एरिया, बी है कोइंसाइड विद देयर सीजी ऑफ द एरिया, सी है फॉल्स क्लोजर टू द सीजी ऑफ द एरिया, डी है नन ऑफ दीज। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए देखिए होता है एच पी इज इक्वल टू एच बार प्लस आई अपॉन ए एच बार, यहाँ से एच पी माइनस एच बार देखे तो ये वैल्यू आती है अपने पास में आई अपॉन ए एच बार। अगर हम डेप्थ ऑफ इमर्जन इंक्रीज करेंगे तो एच बार की वैल्यू इंक्रीज होती है और एच पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं एच बार की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो एच पी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एच पी है वो किसकी ओर, अगर एच पी यहाँ है और एच बार यहाँ पर है तो ये क्या है? इसकी साइड मूव करता है जब हम एच बार की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब हो गया फॉल्स क्लोजर टू द सीजी ऑफ द एरिया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ हाइट एच इमर्ज वर्टिकली इन वाटर अप टू ए डेप्थ एच बिलो द फ्री सरफेस। ए है 2h/3, बी है h/3, सी है 5h/8, डी है 14h/9। तो यहाँ पे देखिए जो आपको लेमिना गिवन है वो फ्री सरफेस से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो अपन ने जो अभी लास्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज याद की थी वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगी और वैल्यूज अलग आएगी इसके लिए, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए। और वैल्यू क्या आएगी देखिए, ये वैल्यू है एच, इसकी ये डेप्थ है वो भी एच है, तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो क्या आएगा? एच प्लस एच बाई टू, यानी 3h/2। एच पी के लिए फॉर्मूला होता है एच बार प्लस आई अपॉन ए एच बार, वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे 3h/2, आई की वैल्यू सेम रहेगी बी एच की पावर 3/12, एरिया की वैल्यू रहेगी बी एच और एच बार की वैल्यू आ गई 3h/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आएगी 4h/9। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। और अगर ये फ्री सरफेस से कोइंसाइड करता तो इसकी वैल्यू क्या होती? ट्रिक से देखते हैं तो सी जी की वैल्यू एच बाई टू होती है, एक वैल्यू से इंक्रीज करते हैं तो ये हो जाएगी 2h/3। जब ये रेक्टेंगुलर लेमिना फ्री सरफेस से कोइंसाइड करता तो वैल्यू रहती 2h/3, अगर फ्री सरफेस से कोइंसाइड नहीं है तो वैल्यू आ रही है 4h/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ओपन टैंक कंटेन 60 cm ऑफ वाटर कवर्ड विद 30 cm ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8
द प्रेशर इंटेंसिटी इन पास्कल एट द बॉटम ऑफ टैंक इज, ए है 8829, बी है 9430, सी है 2354, डी है 8240। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो जी एच। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ओपन टैंक है, ये ओपन टैंक है, सॉरी इसमें वाटर है और ऑयल है। वाटर की जो डेप्थ है वो है 60 सेंटीमीटर और ऑयल की डेप्थ है 30 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है इस लेवल पर प्रेशर इंटेंसिटी पी एट द बॉटम। तो पी बॉटम पे क्या आएगा, प्रेशर ड्यू टू ऑयल और प्रेशर ड्यू टू वाटर। फॉर्मूला अपने पास में रो जी एच वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ऑयल के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यहाँ पर ऑयल है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ऑयल है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या आएगा, वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से अपने पास में डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg/m। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 0.8 × 1000। जी की वैल्यू 9.81, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 30/100 प्लस वाटर के लिए आ जाएगा 1000, रो की वैल्यू जी की वैल्यू 9.81 और एच की वैल्यू आ जाएगी 60/100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8240.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें किस में पूछा गया है, प्रेशर इंटेंसिटी इन पास्कल, पास्कल किसको बोलते हैं हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ए स्टैटिक फ्लूइड ऑन ए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस दैट इज इमर्ज डज नॉट डिपेंड ऑन, ए है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, बी है एरिया ऑफ द इमर्ज सरफेस, सी है डेप्थ ऑफ द सीजी ऑफ इमर्ज सरफेस, डी है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल। आपको यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, एक तो पी की वैल्यू होती है रो जी एच, रो जी एच, एक पी की वैल्यू आपके पास में आएगी रो जी एच बार। अब दोनों में डिफरेंस हमें देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये पी क्या है, यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी है, ये हम ये जो फॉर्मूला है ये अप्लीकेबल होगा जब भी कोई आपको टैंक दिया हुआ है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, जब टैंक दिया हुआ तो डायरेक्ट हम उसकी क्या करते हैं डेप्थ को कंसीडर करेंगे, और अगर कोई बॉडी इमर्ज है किसी भी फ्लूड में तो उस कंडीशन में हम उसका क्या लेते हैं सी जी लेते हैं, एच बार यहाँ पर क्या है सी जी ऑफ द एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। अब देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे आपको फोर्स पूछा गया है,
प्रेशर फोर्स की बात की गई, ये क्या है अपने पास में प्रेशर इंटेंसिटी है। प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर की वैल्यू है रो जी एच बार और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये प्रेशर इंटेंसिटी है और ये प्रेशर फोर्स है। तो प्रेशर फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, सीजी पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए, इसमें ए ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ये तो सही है। एरिया ऑफ इमर्स सरफेस, ये भी सही है। डेप्थ ऑफ सीजी, ये भी सही है, बट इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये इसके लिए क्या हो रहेगा करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर ऑफ 10 मीटर ऑफ हेड ऑफ ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज इक्वल टू, ए है 90 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी है 88.29 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी है 882.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है, प्रेशर इंटेंसिटी बताना है, प्रेशर इंटेंसिटी होता है रो जी एच, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम जो रो कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1000, जी की वैल्यू है 9.81 और एच की वैल्यू है 10, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 882.9 × 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन में किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 882.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज, ए है डिपेंडेंट टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बी है इनडिपेंडेंट टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू एच पी इक्वल टू होता है एच बार आई अपॉन ए एच बार। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सी जी पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे डिपेंड कर रहा है एंड एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ये तीन ही फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है तो इसका फॉर्मूला होता है एच बार प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। ये आपको ध्यान रखना है, अगर इंक्लाइंड सरफेस गिवन है तो एच पी के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो यानी ये इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करता है, इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करेगा, थीटा पर भी। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे सेंटर ऑफ प्रेशर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा इनडिपेंडेंट टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेशर गेज अमंग द फॉलोइंग मैकेनिकल गेज, ए है डायफ्राम प्रेशर गेज, बी है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, सी है डेड वेट प्रेशर गेज, डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A
ए डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर्स, ए है एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट, बी है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी है डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स, डी है डिफरेंस इन टोटल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसको हम दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। देखिए मैनोमीटर है, मैनोमीटर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, इससे आप प्रेशर को मेजर करते हैं। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो मैनोमीटर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा है इसमें डिफरेंशियल मैनोमीटर, और थर्ड आता है इसमें मैकेनिकल गेज। सिंपल मैनोमीटर है, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। पीजोमीटर आता है इसमें, सेकंड इसमें आता है यू ट्यूब मैनोमीटर, थर्ड इसमें आता है इन्वर्टेड मैनोमीटर। मैकेनिकल गेज है इसमें, इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है गोल्ड ऑन प्रेशर गेज। तो जो सिंपल मैनोमीटर है, सिंपल मैनोमीटर इसमें किसी एक पॉइंट पे, किसी गिवन पॉइंट पे प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर में दो पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। जो मैकेनिकल गेज है बोर्डन प्रेशर, इसको हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करने के लिए, और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। मैकेनिकल गेज है, इससे हम एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है उसको भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। एक होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर इसको हम लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैनोमीटर और बैरोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। बैरोमीटर है ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मैनोमीटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें सिंपल मैनोमीटर होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, और मैकेनिकल गेज होता है। जो सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर है, इससे हम गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर को मेजर करते हैं। सिंपल मैनोमीटर के फर्दर क्लासिफाइड किया गया है पीजोमीटर, यू ट्यूब मीटर, और इन्वर्टेड मैनोमीटर। डिफरेंशियल में हम दो पॉइंट्स के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और जो मैकेनिकल गेज यूज करते हैं उसका यूज होता है एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए, और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इससे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्यूम प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द, ए है गेज प्रेशर, बी है एब्सोल्यूट प्रेशर, सी है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, डी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम ये जितने भी प्रेशर दिए हुए हैं उनके बारे में देखते हैं क्या होते हैं। तो जो हम स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी प्रेशर हम मेजर करते हैं वो इसी के रेस्पेक्ट पे हम मेजर करते हैं। अगर इससे ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। इससे नीचे जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव आता है उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो जो आता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर का जो डिफरेंस आता है, ये वाली वैल्यू जो आती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर।
इसी तरीके से एक एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, इनका जो सम होता है उसको भी हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में जो एब्सोल्यूट प्रेशर आ रहा है वो क्या है, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, एक तो ये आ गया। दूसरा यहाँ पे है पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो ये यहाँ पर पूछा गया है वैक्यूम प्रेशर है, तो वैक्यूम प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होता है, इज डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इज इंडिकेटेड एज 80 mm, वॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एट दैट पॉइंट। प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला फिक्स है, पी इज इक्वल टू रो जी एच। मर्करी के लिए पूछा गया है, मर्करी के लिए तो मर्करी के लिए रो की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कितनी होती है, 13.6 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 13.6 × 10³। जी की वैल्यू है 9.81 और एच की वैल्यू है 80 mm, मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में होगी 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें किस में चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो ये वैल्यू क्या है, 10³ यहाँ से हट जाएगा, किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 10673। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 10696। हो सकता है इसमें जो जी की वैल्यू है वो 10 कंसीडर की हो, तो 10 कंसीडर करेंगे तो एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ए है गैस प्रेशर, बी है वैक्यूम प्रेशर, सी है विंड स्पीड, डी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर को हम यूज करते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर। विंड स्पीड के लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर, ए है यू ट्यूब मैनोमीटर, बी है डिफरेंशियल मैनोमीटर, सी है सिंपल मैनोमीटर, डी है पिजोमीटर। तो मैनोमीटर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है पिजोमीटर, जो किसका टाइप है, सिंपल मैनोमीटर का। जैसे अभी इससे पहले भी हमने देखा था कि मैनोमीटर है 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर और तीसरा होता है मैकेनिकल गेज। सिंपल मैनोमीटर है, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, इसमें आता है पिजोमीटर,
यूट्यूब, मैनोमीटर, और थर्ड इसमें आता है इन्वर्टेड मैनोमीटर। पिजोमीटर है, इसको हम गेज प्रेशर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं ओनली, गेज प्रेशर फॉर लिक्विड। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पिजोमीटर है उससे ओनली हम गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, और इसको हम गैसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, ओनली लिक्विड के लिए यूज करेंगे। यूट्यूब मैनोमीटर है, इससे हम गेज प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, लिक्विड के लिए भी कर सकते हैं और गैसेस के लिए भी कर सकते हैं। प्रेशर चाहे स्मॉल हो, प्रेशर के वैल्यू स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, तीनों कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब हाई प्रेशर के लिए हम भी यूज कर सकते हैं, अगर स्मॉल प्रेशर आ रहा है वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, और मीडियम प्रेशर आ रहा है वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पिजोमीटर है, ये मैनोमीटर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको हम लिक्विड के गेज प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करेंगे। यूट्यूब मैनोमीटर है, उसको फ्लूड में क्या आ जाता है, लिक्विड और गैसेस दोनों आ जाते हैं, तो फ्लूड के गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर दोनों को मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीडिंग ऑन द प्रेशर गेज फिल्टर ऑन ए वेसल इज 34 बार, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 bar, then absolute pressure in the vessel is A है 23.89 bar, B है 44.03 bar, C है 32.97 bar, D है 35.03 bar। तो absolute pressure क्या होता है, atmospheric pressure, P absolute होता है, atmospheric pressure प्लस गैस प्रेशर। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.03 है, जो गैस प्रेशर गिवन है वो है 34, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 35.03 बार। अगर पूछा जाए कि वन बार में कितने पास्कल होते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इक्वल होता है 10^5 पास्कल के बराबर होता है। 1 bar इज इक्वल टू होता है 10^5 पास्कल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।